कोरोना की पांचवी लहर के बाद जारी मुल्क वारस मासूम जाने निकलने में मसरूफ। वारस ने मजीद 27 अफराद की जान ले ली। कोरोना से अमवात की मजमू तादाद 29,219 हो गई। गुजशत 24 घंटों के दौरान 7,963 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 11.31% रिकॉर्ड एमसीओ से। हर तरफ धुंध ही धुंध, मोटरवे पर धुंध के डेरे, कहीं हद निगाह सिफर तो कहीं कम। मोटरवे M1, M2 और M11 बंद, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इमरजेंसी की सूरत में मोटरवे हेल्पलाइन पर राबता करें। दौरान सफर फोग लाइट्स का इस्तेमाल जरूरी, मोटरवे पुलिस। कोयटा में सरयार रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जां भाग, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाकया बजाहिर पुरानी दुश्मनी का नतीजा है, तहकीकात जारी, पुलिस जरा। 42 ट्रेजरी 43 देख लें, गिने अपने गिने न जी। द बिल स्टैंड्स फास्ट। ऑपोजिशन को एक वोट से शिकस्त, हुकूमत ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। हिजब इक्तदार को 43, हिजब इख्तलाफ को 42 अरकान की हमायत मिल सकी। यूसुफ रजा गिलानी, मुशाहिद हुसैन सैयद और नुजरत साकिब समेत 9 अरकान गैर हाजिर रहे। ANP के उमर फारूक गिनती के दौरान ऐवान से बाहर चले गए। मिनिस्टर साहब, आप अमेंडमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं कोई? नो, वो नहीं माने। दोज हु आर इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट्स यस, दोज हु आर अगेंस्ट डोंट नो। आई थिंक द नोज हैव इट, द नोज हैव इट, द अमेंडमेंट्स आर रिजेक्टेड। चेयरमैन, आई लाइक टू मूव। बेटे मैं भी करता हूँ। दैट द बिल फर्दर टू मेंट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इससे पहले भी कर रहा हूँ मैं। इस तरह नहीं हो सकता शरीफ रहमान साहब, ये हाउस पे फिर आपके भी कौन कोई करेगा? तशरीफ रखे अपने, हाउस का माहौल खराब ना करें, ऐसे हो नहीं सकता। मैं आपको अटेंडेंस बाय फेस भी दे सकता हूं, प्लीज। बड़े ऐवान में सियासी तूफान, ओपोजिशन का सेनेट में हंगामा, चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। सादिक संजानी का हुकूमत के हक में वोट, दिलावर खान की जानिब से भी बिल की हिमायत। MPM के फैसल जिम्मेदारी और खालिदा अतीब गैर हाजिर। सेनेट में नंबर गेम, हुकूमत की वोट पूरे करने के लिए सख्त जिद्दोजहद। कोरोना से मुतासर रुकन डॉक्टर रिज़का की ऐवान आमद, ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स भी साथ थे। डेप्टी चेयरमैन और दीगर ने खैरियत दरियाफ्त की। मरीजों की चट लग गई है और अब ये अपने ना खर्चे कम करते हैं। भाई अपना हेलीकॉप्टर बंद करो बनी घरा से, अपने खर्चे कम करो। पाकिस्तान को किस लिए गिरवी रखे हो? शर्म करो, हया करो कि तुम आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त तुम लोगों को मुस्तफी हो जाना चाहिए, इमरान खान को मुस्तफी हो जाना चाहिए। आधी रात को जारी एजेंडा हुकूमती मकासद को बयान करता है। हुकूमत IMF को बताना चाहती है पार्लियामेंट ने बिल पास किया। हुकूमत स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल को बिलडोज करने की कोशिश कर रही है। बड़े मंसूबों में खुद मुख्तार जमानतें देने की हुकूमती सलाहियत का क्या फायदा? ये हंगामी वाजबात के तौर पर दर्ज है। IMF अब इनके पर कंट्रोल नहीं कर सकता। सैनेटर शहरी रहमान का बयान, वजीर आजम और वज्रा से मुसाफी होने का मुतालबा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जबान फिसल गई। हुकूमत की बजाय अपोजिशन को शिकस्त का ताना दे दिया। ना हुकूमत है ना अपोजिशन है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने उस फराज को देखकर मैं समझता हूं कि इस बिल को एजेंडे से फारिग कर दें। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है, बहुत शुक्रिया। अपोजिशन शिकस्त खा चुकी है। क्या कर रहा है? इस्लामाबाद के बाद पहली दफा पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, मॉडर्न सिटी बन रही है, जो कि अब दुनिया में जो जो नए शहर बने हैं, मॉडर्न सिटीज हैं, मलेशिया में, दुबई के अंदर, ये उसके तर्ज के ऊपर एक नया शहर और फिर ये ऊपर जाएगा। ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। रावी का दरिया खत्म होता जा रहा है, लाहौर फैलता जा रहा है।
पानी की किल्लत और गंदगी का सामना है। शहर बगैर मनसूबाबंदी के फैलते जा रही है। रावी मनसूबे से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमें नए शहरों की जरूरत है। हाई कोर्ट में रावी प्रोजेक्ट सही तरीके से पेश नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और दिन एक और कामयाबी। अदम एतमाद का ख्वाह देखने वाले ऐवान में भी नाकाम। नाम नहाद अक्सरियत वाली पोजीशन हमेशा नाकाम रहेगी, साबित हुआ। तमाम जमातें मिलकर एक इमरान खान के आगे ढेर हैं। कामयाबियों का सफर रुकने वाला नहीं, वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा जाता है कि साबिक हुक्मरान खाते थे तो लगाते भी थे। आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि करप्शन जायज है? आप सियासी शोबदाबाज लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। ये लगाते इसलिए थे कि इन्होंने खाना होता था। पूरे पंजाब का हक ऑरेंज लाइन पर लगा दिया गया। माजी में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया। ऑपोजिशन के पास पंजाब के खिलाफ बात करने के लिए कुछ नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला सिंध की जानब से एमक्यूएम के जांभा कारकुन असलम की ताजियत। वजीर आला सिंध ने मरहूम के घर जाकर ताजियत की, उनके भाई मोहम्मद जफर से मिले। वजीर आला सिंध की एमक्यूएम के एमपीए सदाकत के घर भी आमद। जफी एमपीए की आयादत की, कहा वाकये पर बहुत अफसोस हुआ, तहकीकात का हुक्म दिया है, जो भी मुलविस हुआ कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी मान गई जमात इस्लामी का धरना खत्म। बलदियाती कवानीन पर मुजाकरात कामयाब। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मेयर कराची को बाख्तियार बनाने पर मुत्तफिक। सिंध हुकूमत सूबाई फाइनेंस कमीशन के क्याम पर रजामंद। तालीमी इदारे और अस्पताल बल्दिया को वापस करने पर तैयार। जमात इस्लामी को जरदारी माफिया ने धोखा दिया, यही वादे वजीर आला सिंध ने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी किए। जरदारी माफिया का बलदियाती बिल आयन के रूप में मुनाफी है, ये माफिया हर चीज पर काबिज होना चाहती है। माफिया ने 14 साल से सिंध में लूट मार के सिवा कुछ न किया, वफाकी वजीर अली जैदी का बयान। और यूक्रेन तनाजा, अमरीका और रूस के दरमियान कशीदगी बरकरार। अमरीका और नेटो बुनियादी खदशात दूर करने में नाकाम रहे। यूक्रेन पर हमले का खदशा मौजूद है। अमरीका और नेटो ने बुनियादी मसले पर कोई मुस्बत रद्दअमल नहीं दिया। नेटो तोसी और ओवरस्ट्रेनिंग हथियारों की तैनाती रूस के लिए खतरा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारू।